आज के समय में छात्रों में फंडामेंटल साइंस के प्रति रुझान कम हो गया है और ऐसे में इंजीनियर और डॉक्टर्स तो हो ही रहे हैं, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में शोध करने वाले कम हो गए। विज्ञान के मूल विषयों के प्रति बच्चों में रुझान बढ़ाने के लिए उदयपुर के विद्या भवन ऑडिटोरियम में आज इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने अपना व्याख्यान दिया। एक दिवसीय कार्यशाला में भारद्वाज ने बेसिक साइंस के विभिन्न प्रयोग करवाए गए और उसके साथ ही उसकी तकनीक पर विस्तार से चर्चाएं की। कार्यशाला में 2 दर्जन से भी अधिक स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष विज्ञान, उसकी महत्ता और इसके शोध को लेकर जानकारी हासिल की। डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने बताया कि आने वाली पीढ़ी में अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी पैदा करने के लिए इसरो प्रयासरत रहेगा। हमारे विज्ञान में प्रगतियां हो रही हैं, उसको जन साधारण तक पहुंचाना, इसीलिए इसमें आपने देखा होगा कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो विभिन्न वर्ग से थे। कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस थे, कुछ कॉलेज गोइंग चिल्ड्रंस थे, कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे और इसके अलावा टीचर्स थे। तो मेन कारण था कि उन सभी को जो नए नए खोजें हो रही हैं, नया कार्यक्रम चल रहे हैं इंडिया में। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।